नमस्कार, मैं हूं प्रियंका, आप देख रहे हैं वीरी टीवी भारत। महाराष्ट्र के सांगली जिले में एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत मामले में नए खुलासे ने हड़कंप मचा दिया है। पुलिस जांच में पता चला है कि दो भाइयों के परिवार को एक तांत्रिक और उसके ड्राइवर ने जहर देकर के मार डाला था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पहले इसे आत्महत्या का मामला माना जा रहा था। 20 जून को महसल गांव में 1 किलोमीटर के फासले पर मौजूद दोनों भाइयों के घरों में परिवार के सदस्यों के 9 शव मिले थे। इनमें भाई एक टीचर है और दूसरा पशुओं का डॉक्टर था। पुलिस महानिरीक्षक मनोज कुमार लोहिया के मुताबिक तांत्रिक अब्बास ने वनमोर भाइयों के लिए गुप्त धन खोजने का वादा किया था और इसके लिए उसने मोटी रकम भी वसूल कर ली थी। जब गुप्त धन नहीं मिला तो वनमोरे बंधु तांत्रिक से अपनी रकम वापस मांगने लगे, लेकिन अब्बास रुपए वापस नहीं करना चाहता था। दबाव पड़ा तो उसने वनमोरे बंधुओं के पूरे परिवार को ही रास्ते से हटाने की योजना बना डाली। 19 जून को तांत्रिक ने छिपे हुए खजाने को खोजने के लिए तंत्र मंत्र की क्रिया शुरू की। इस दौरान उसने परिवार के सदस्यों को उनके घरों की छत पर भेज दिया, फिर उन्हें एक एक करके नीचे बुलाया और चाय पीने के लिए कहा, जिसमें पहले से उसने जहरीला पदार्थ मिला रखा था। अंदेशा जताया जा रहा है कि इस पेय के पीने के बाद वानमोरे परिवार के लोगों ने बेहोशी के बाद दम तोड़ दिया था। ताजा अपडेट्स के लिए वीडियो टीवी भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार।